जुल्कनैन यार, जुल्कनैन यार उठो यार, नमाज पढ़नी है, शॉपिंग करने जाना है, कम से कम तुम्हारे घर आई हूँ यार, मेहमान नवाजी तो करो मेरी। चल करता हूँ यार। इधर देखो मेरी तरफ, से हेलो एवरीवन। यार हेलो तो कहो ना, हेलो कहो, से हेलो एवरीवन, हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। आज मैंने एक लड़के को रंगे हाथों सोते हुए पकड़ लिया। यार तुम्हारा नाक बहुत अच्छा आ रहा है दुल्कनैन। दुल्कनैन इधर इधर। अच्छा ठीक है, हेलो करो फिर मैं बंद कर रही हूँ। हेलो करो, मैं बंद कर रही हूँ फिर। हेलो, वेलकम टू, वेलकम टू आवर चैनल। ओके जी, तो नमाज मैंने पढ़ लिया और एक बंदी ने मेरी नींद बिल्कुल खराब कर दिया। और दूसरी बात यह है कि आज कमल चूंकि मेरे घर पे आई भी और एक काम था उसके रिलेटेड, हम लोग फिर सुबह सहरी टाइम में वापस आए हैं। सहरी के टाइम आके सहरी किया, रोता रखा है और सो के और अभी उठे हैं। और फिलहाल सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि प्लान यह है कि ईद होती है ना, रिवाज होता है कि लड़के वाले लड़की की तरफ ईद लेके जाते हैं, लड़की वाले लड़के की तरफ ईद लेके आते हैं। तो आजकल थोड़ा मॉडर्न रिवाज है, आजकल दुल्हन दुल्हा अपनी ईद खुद सेलेक्ट करते हैं, फिर वो उनके घर वाले लेके जाते हैं कि मैं ये पहनूंगा वो ये पहनेगी, कुछ इसी तरह का हमारे यहाँ भी है सिस्टम। और आज कमल को भी मेरी तरफ से जो मतलब हमारी तरफ से जो ईद जाएगी वो हम लोग खरीदते जाएंगे। और दूसरे ये बंदी पीछे बैठी पता नहीं क्या कर रही है, क्या कर रही हो कमल, तुम ऑयल लगा रही हो यार, मेरे भी लगा दो ऑयल थोड़ा, मेरे पास तो बिल्कुल ही रफ रफ हो गए हैं। हाँ कर दो प्लीज प्लीज प्लीज। मैं अच्छा पता है मैं पहले बहुत ज्यादा ऑयलिंग करता था। हाँ सुनिए, मैं हाँ मतलब मम्मी लोगों की तरफ से ही है, लेकिन सेलेक्ट तो तुम करोगी ना कि मैंने ये लेना है मैंने वो लेना है। मैं समझ गया हूँ, समझ गया, मैं सारे तुम्हारे पॉइंट समझ जाता हूँ। और खैर फिलहाल वक्त तुम मुझे ऑयल लगा दो, उसके बाद अपना सीन बनाते हैं। और दूसरा हमारे साथ एक और बदना भी है, हिज नेम इज मूसा पंच। ओके खैर ऑयल लगा। हाथ लगता है ठीक है, आज मैं बकरा बनूंगा ना, बलि का बकरा है ना। हाँ बलि का बकरा बनूंगा लगा देंगे। लेकिन दुल्कनैन मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे पास जो आज की ऑर्गेनिक सॉल्यूशन है ठीक है, इसका हमारे पास एक हेयर टॉनिक है और हमारे पास है एक हेयर सीरम। अच्छा इसका ये फायदा है कि जो हेयर टॉनिक के अंदर अगर हम हेयर सीरम के अगर हम दो ड्रॉप यूज करें ठीक है, तो ये हमारे बालों को बहुत ज्यादा फायदा दे सकता है। हाँ मतलब इससे हेयर फॉल रुक सकता है, आपका डैंड्रफ कम हो सकता है और आप गंजे होने से बच सकते हो और बालों को स्ट्रॉन्ग करता है और बालों की ग्रोथ करता है। अगर बाल आपके टूट चुके हैं, बेकार हो चुके हैं, उसको रिपेयर करता है। क्योंकि आप इसमें देख सकते हो कि मैं आपको ये दिखाऊं कि जो कि इसमें 12 उन्होंने डाले हुए हैं, आंवला और पता नहीं क्या क्या डाला हुआ है 12 चीज़। अच्छा आपको पता है मैं बहुत मुश्किल से इस ऑयल को बर्दाश्त करूँ क्योंकि इसमें अनियन भी है और थोड़ी थोड़ी स्मेल भी आती है। और जुल्कनैन को अनियन से इतना मसला है, हालांकि ये मुझे इतना मतलब बड़ा प्यार करता है नो डाउट, लेकिन जब मैं कभी अनियन काट के जुल्कनैन के पास आ जाऊँ और खुशबू लगाती है, मतलब जब अनियन की स्मेल बिल्कुल चले जाती है, फिर मैं कहता हूँ ओके ओके अब आ जाओ, अब आ जाओ मेरे पास आगे। ओके तो खैर अभी हम ऑयलिंग कर रहे हैं और इसके बाद का स्केड्यूल भी बहुत लंबा है। इसके बाद का स्केड्यूल ये है कि अभी हमने जाना है शॉपिंग के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि आज हमारी दो दिन के लिए जुदाई है। आज वैसे भी आज कमल ने वापस भी जाना है लाहौर, पहले हम इस्लामाबाद गए थे ना, उसके बाद हम मैं इसे अभी से मिस कर रही हूं, सुबह आए अभी से मिस कर रही हूं। हां आज चले जाना है ना तुमने, तुम तो नहीं कह रही ना, तुमने कहा इसने दोबारा फिर से परसों आ जाना यार, फिर यार तुम एक दिन के लिए मिस नहीं करोगे? अच्छा एक दिन के लिए मिस करते हुए ब्लॉग बनाऊंगा ठीक है। और यार रॉयल की नमाज ही आ गई यार, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गर्मी में बाहर नहीं जाना चाहिए, लोगों से हाथ नहीं मिलाना चाहिए, कोरोना से बचना चाहिए। ये हम लोगों ने ऑयलिंग कर ली है, आपको जाने से पहले हम दोबारा से बता दें, जाने से पहले लेके हम रेडी होने लगे हैं, तो उसके जाने से पहले आपको बता दें कि हमारे पास है आर्की ऑर्गेनिक सॉल्यूशन का हेयर टॉनिक और साथ ही साथ हमारे पास है सीरम। अब इसको इस्तेमाल किस तरह करना है कि आपने जितना भी हेयर टॉनिक डालना है अपने हथेली में डालें, उसके अंदर दो ड्रॉप आप डाल दें हेयर सीरम के, डाल के उसको मिक्स करके आप अपने बालों में लगाएं, अच्छी तरह उसको ऐसे मसाज करें, देखें जुल्कनैन के सारे बाल में लग चुके हैं, आपकी बर्फबारी खत्म हो जाएगी, आपके ये हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा। और इसमें सारी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, इसमें अनियन है, अनियन आपको बताया कि बहुत ही अच्छा होता है, इसके अलावा भी काफ़ी मुझे हो गया। हम लोग हैं रेडी और कमल भी है रेडी, मम्मी का एक सूट चेंज करवाना है उसके लिए, कॉल से बातचीत हो रही है और गाड़ी रेडी है। दूसरे मूसा मंच साहब अपना वो ताला खोल रहे हैं, फिर हम गाड़ी निकालेंगे और निकलेंगे। कमल 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 प्लीज ज्वाइन मी, तो आर यू एक्साइटेड फॉर योर फर्स्ट ईद गिफ्ट? यस जी, मैं भी दूंगा ना, मैं अलग से दूंगा, अभी तो घर वालों का है। खैर मूसा खोल दिया दरवाजा, चले ओके आ जाओ, फिर आ जाओ। हमेशा की तरह जवाब भाई मेरी जगह लेते हुए आगे बैठ गए और क्या करूँ,
जवाहर भाई आपको कभी मेरे पे तर्स नहीं आया? नहीं। आप मेरी जगह ले लेते हैं? नहीं नहीं कोई तर्स नहीं, कोई तर्स नहीं, कोई माफी नहीं, कोई माफी नहीं, कोई माफी नहीं, माफी मुश्किल हो, मुश्किल हो। ओके ओके, तो अभी हम किधर जा रहे हैं? बड़े हूँ, हाँ अंता बड़े हूँ, इसीलिए आगे बहुन बहुन। बड़े होने का फायदा है वैसे, बहुत फायदा है, बड़े होने का बड़ा फायदा है। बड़ा तो पहले ही आ जाता है। हाँ, सीट बेल्ट पहन लेनी चाहिए, पहन लेनी चाहिए। जवाहर भाई अभी जुल्कन को नसीहत कर रहे थे कि अपनी चीजें लिया करो, लोगों की चीजें मत लिया करो। दानी तो खुश होगा। हाँ दानियाल तो खुश होगा, दानियाल और सलमान की जायदाद आधी इधर है जुल्कन के पास। ब्लॉगिंग के मुतालिक की सारी जायदाद उनकी मेरे पास है। अभी तो हम आ चुके हैं गुजरांवाला, और गुजरात से तो कुछ भी नहीं पसंद आया। कवल क्या बात है यार, इसमें क्या मसला, तुम्हें गुजरात से क्यों नहीं कोई चीज पसंद आई? नहीं मुझे गुजरात पसंद आया, लेकिन गुजरात से कोई चीज पसंद नहीं आया। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका मतलब तुम्हें, चले ठीक है, खैर गुजरांवाला से कुछ देखते हैं कि क्या पसंद आता है, कौन से कपड़े पसंद आते हैं। हमारे साथ जवाहर भाई भी हैं, प्रधानमंत्री साहब, और पीछे इमरान लोग भी हमारे साथ ही आ गए हैं गुजरांवाला के। चले हम भी देखते हैं कुछ ना कुछ, और खैर लाइट ज्यादा अच्छी ऐसे आती है ना कि वैसे अच्छी आती है। और अभी देखते हैं अभी कपड़े कौन से पसंद आते हैं, फिर वो लेते हैं। हम लोग तो आ चुके हैं गुजरांवाला, और ये मूसा भी साथ है, बंदर है पूरा, और शेख साहब, हेलो यार, देख ले बच्चे, देख ले, ये नहीं वो नीचे वाला कलर ज्यादा अच्छा, ये वाला, हाँ और भी है तो वो भी देख लो ना। कमल बहुत ज्यादा पूरी दुकान को इसने धर्म भरम करके रख दिया, और इसको अभी तक कोई चीज पसंद नहीं आ रही, परेशान हो गई मैं बहुत ज्यादा। हाँ चीजें नहीं पसंद आ रही। शेख तुम्हारा कोई प्लान है किसी को ईद देने का? हाँ यार नहीं है, मैं सोच रहा हूँ अपने आप नहीं दे रहा। साइज ही नहीं मिल रही? नहीं। अच्छा जो 100-150 देखने के बाद एक पसंद आता है तो उसमें साइज नहीं मिलता, और हम लोग तो बस पीछे पीछे चलते जा रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। कौन सा नहीं हेल्प करा दो, ये वाला देख लो यार, ये वाला नहीं यार, बहुत अच्छा कलर है ये। हाँ तो जुल्कन है, आप कवारी लोगों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? तुम्हारे लोगों को ये एडवाइस करूँगा कि भाई आप अपनी वाइफ को वहाँ लेके जाया करना जहाँ पे ड्रेसेस थोड़े कम हो। हाँ क्योंकि इतने ज़्यादा ड्रेसेस में कोई चीज़ पसंद नहीं आती, क्योंकि मैं भी खजल हो रहे हैं यार, कोई 50 ड्रेस भेज लेने। सही, मैं भाई एग्री करता हूँ, वहाँ बहुत टाइम लगता है। चलो यार तुम लोग शॉपिंग करो, ठीक है, मैं भी अपनी जी एफ के लिए शॉपिंग करूँ। हेलो तुम्हारी तो कोई जी एफ ही नहीं है यार, क्यों याद करवा दिया, दिल की तसल्ली हो सकती थी। टाटा, और शुक्र है, और शुक्र है, शुक्र है, दुकानों पर शॉपिंग हमने कर लिया, और अभी कवल लोग जाने लगे हैं लाहौर, हम लोग जाने लगे हैं वापस गुजरात, और अभी रुकने का टाइम है। सारा साजो सामान मैं रखूंगा अपनी गाड़ी में, क्योंकि फिर बाद में ईद में लेके जाएंगे, और घर वालों के साथ ही जाना होगा ना, अभी तो हमने शॉपिंग की है, तो अभी सारी में भी थोड़ा ही टाइम रह गया, अभी रास्ते में सारी होगी शायद, या फिर घर जाके होगी, कवल की भी शायद रास्ते में हुई, या फिर घर जाके, कोई पता नहीं है, ट्रैफिक ना हुई तो जल्दी पहुंच जाएंगे, ट्रैफिक हुई तो फिर सारी रास्ते में। भाई यार रोड क्रॉस करना बहुत मुश्किल है, और बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, क्रॉस कर रहे हैं और नीचे वाला ठोकने के चक्कर में। मैं नाला मैं जाने के लिए बताऊंगा। हाँ जी मुझे बताएगा जी, मेरा बॉडीगार्ड है, मेरा बॉडीगार्ड साबन। खैर अभी हम जा रहे हैं वापस गुजरात, और कवल लोग निकल चुके हैं, हम लोग बैठ चुके हैं वापस गाड़ी में, और अभी जाएंगे गुजरात, और शेख साहब साथ हैं, इकरार साहब भी साथ हैं, इकरार का दोस्त भी चढ़ गया है, मूसा मंज वो भी चले गए, कवल भी चले गए, रोने लगे थे, रोने लगे थे, जुदाई तेरी जुदाई बन गया नाई। ये बाकी नाई बन गया जुदाई में, क्या अभी इफ्तारी में भी तकरीबन एक घंटा मतलब बाकी है, शायद वो लोग तो रास्ते में इफ्तारी करेंगे, लेकिन हम लोग घर पहुंच भी सकते हैं, नहीं भी पहुंच सकते, खैर देखते हैं, शेख करेगा एक्टिंग अब आपके सामने, और चल इसको मार दे, गेम रोल कैमरा एक्शन, चीज डालूंगा फाट डालूंगा, उठा उठा के पटकूंगा, पटक पटक के उठा के मारूंगा, मुंह मार दे तुम्हें, ऐसा कुछ चल रहा है, ये होता है, चल एक सोलो हो रहा है ना तुम्हारा, ठीक है दोबारा से लेते हैं, तूने वही बोलना है, एक आतिया एक आतिया, रोल कैमरा एक्शन, एक आतिया चीट डालूंगा फाट डालूंगा, अगर मुन्ना कुछ हुआ ये फलादी हाथ है लोहे को पिघला के उसका कार बदल देते हैं, कालिया वो कालिया, और तू क्या चाहता है मैं तेरे यहाँ शेर बन के रहूं,
तू बोले तो वाउंड करूं, तू बोले तो काटू, ना 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 अपन टाइगर है भाई, कुत्ता नहीं बोल सकता ना, मतलब नहीं उसने बोला है कुत्ता, लेकिन अपन कुत्ता नहीं बनेगा, मुझे पता है मैंने कुत्ता बोला, तुम लोग बोलोगे वाह यार क्या क्या एक्टिंग है, क्या एक्टर है, क्या ये तो नेचुरल नेचुरल बन गया भाई, नेचुरल कुत्ता बन गया, लेकिन टाइगर अपन टाइगर है, क्या नेचुरल एक्टिंग कर रहा है कुत्ते की, टाइगर पता नहीं ना यार उनकी बताओ भी है हमारे भाई साहब, ये फोन पे चैट कर रहे हैं नाली नाली ब्रा रहे करके ना, मैं यार खुद भी छत पे कोई 3 घंटे वॉकिंग करते रहे हैं, पता नहीं क्या यार, पता लगा होता है मुंडा डाके सोते हैं, लेकिन मैं अभी वॉक कर रहा हूं, गंदा कैमरा आ रहा है दूसरे उसको मुंह में, और आगे सेठ साहब ड्राइविंग कर रहे हैं हमारे साथ, डैडी भी, और ये सियाने कहते हैं हर चमकते चीज सोना नहीं होती, हर सब सोना नहीं होता, हर फुटबॉलर मेरा डोना नहीं होता, और हर दिल खिलौना नहीं होता, लोगों के दिलों से खेलना बंद करें, मैं जो खेलते हैं उनको कहना चाहूंगा, बस ठीक है, नहीं पा लें, चलो आती है, नहीं चले बस देर दिलाज नहीं है, हंस दे रहो बस दे रहो सिराज तेल चाहते रहो, अपना ढेर सारा ख्याल रखियो, बाय बाय, ठीक है, एंड मेरा चैनल विजिट जरूर करें, या इसका चैनल जरूर विजिट करें, सब्सक्राइब किया है।